बेलीबार पुलिस और स्वाट टीम ने शनिवार को 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीओ गोरखनाथ ने कार्यालय में घटना के खुलासा करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर बेलीपार और स्वाट टीम ने राजगढ़ थाना क्षेत्र के बागा घाड़ा फोरलेन के नीचे से 10,000 के शातिर इनामी बदमाश नीरज कुशवाहा पुत्र ओम प्रकाश कुशवाहा निवासी ट्रांसपोर्ट नगर थाना राजघाट को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि इसका साथी शातिर बदमाश राजकुमार बेलदार मुठभेड़ के दौरान पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। उस दौरान नीरज कुशवाहा अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया था। उसे शनिवार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया, जो अपराधियों और अपराधियों के जो अभियान लगातार चलाया जा रहा है हमारे जनपद के एसएसपी साहब द्वारा, उसी के क्रम में 307 में वांछित अभियुक्त नीरज कुशवाहा जो पूर्व में 8 तारीख को जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें राजकुमार बिंदार पकड़ा गया, उसी मुकदमे में ये वांछित चल रहा था। जैसे सूचना प्राप्त हुई है तो बागाघाड़ा के पास से आज इसकी गिरफ्तारी हुई है और इसे ठीक जेल दिया जा रहा है। ये राजघाट से हिस्ट्री सीटर भी है और इसके ऊपर कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। तो कभी गिरफ्तार फरार भी हुआ है? हाँ, ये अभी मतलब 8 तारीख को जो मुठभेड़ हुई थी उसमें यही फरार हो गया था मौके से, वहाँ मौके का लाभ उठा के इसकी गिरफ्तारी आ चुकी। इसके साथ और भी लोग हैं? अभी उसकी तो पूछताछ भी हुई है, अभी कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं, गिरफ्तारियाँ हुई।